शिमला जिला के रामपुर के समीप महात्मा गांधी चिकित्सालय सेवाएं परिसर खनेरी की रोगी कल्याण समिति की वार्षिक बैठक एसडीएम कार्यालय रामपुर में आयोजित की गई। बैठक में चार जिलों के विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने वाले अस्पताल की सेवाओं को और सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई। इस दौरान चिकित्सालय में विभिन्न सेवाओं से जुड़ी खराब पड़ी मशीनरी को भी तुरंत ठीक करने अथवा नई मशीनरी स्थापित करने पर भी सहमति बन जताई गई। भविष्य में मशीनरी खराब होने पर तुरंत वैकल्पिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भी रणनीति बनाई गई। इस दौरान आगामी वर्ग में विभिन्न मदों पर खर्च होने वाले धन का भी प्रावधान किया गया। चिकित्सालय की सफाई, एम्बुलेंस सेवा, मरीजों की सुविधाएं आदि की जवाबदेही रखने के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एसडीएम रामपुर यदविंदर पाल ने बताया कि खनेरी चिकित्सालय में कई समस्याएं चल रही थी जिनका सुधार करना आवश्यक है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सेवाएं जवाबदेही हो ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें और लोगों के सुझाव भी चिकित्सालय की बेहतरी के लिए मिलते रहें। ये हमारे लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं थी कि हॉस्पिटल्स के कारण ना हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो या पेशेंट्स के थ्रू भी। मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी डिसीजन हमने आज लिए हैं उनको हम 100% उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तभी मीटिंग करने का फ़ायदा भी है और सार्थकता भी है मीटिंग से। इस पर भविष्य में भी चाहूँगा किसी के कोई सुझाव हो तो हमें देते रहें। उस पर हमारा सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जो खनेरी का हॉस्पिटल है ये स्पीति से लेकर स्पीति किन्नौर रामपुर पानी निर्मल कुमारसम सब इंडियन के लिए सबसे बड़ा एक मौका से मशहूर ये अच्छा हो, इसमें सारी व्यवस्थाएँ हों और अच्छे तरीके से कार्य करें। वहीं रामपुर के विधायक नंदलाल ने बताया कि आरकेएस की वार्षिक बैठक में विभिन्न विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस दौरान चिकित्सालय की मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव पर भी चर्चा की गई ताकि चिकित्सालय में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एवं दूसरी मशीनरी हर वक्त दुरुस्त रहे। रख रखाव है जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ आपका जो व्हील चेयर है और आपका स्ट्रेचर है हमेशा राउंड द क्लॉक ओपीडी सॉरी कैशुअलिटी में होना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी हुई है कि जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कोई आदमी अवेलेबल को एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त हमको ये जो कैजुअलिटी में ही ये जो एक्सरे सॉरी व्हील चेयर है और जो स्ट्रेचर है इट्स अवेलेबल हो अवेलेबल हो। और परचेजेस के बारे में भी कुछ बातें हुई है कि ऑफिस फर्नीचर वगैरह के लिए तो वो हमेशा एक सिस्टम है जो हमारे साथ अगर डॉक्टर साहब को नहीं मालूम होगा कि उसमें ये होता है कि अगेंस्ट कंडमनेशन उतना ही हम जो सरकारी तरह से परचेज कर सकते हैं। वो भी एक फैसला हो गया कि जितनी आप कंडम करके दिखाओगे उतना आपको जो है परचेज जो आप फर्नीचर में कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। एम्बुलेंस के बारे में बात हुई तो एम्बुलेंस का भी ये है कि मतलब जो किराया बढ़ाने की बात थी हमने उसको कहा था भाई इसमें किराया 4,000 से 4,500 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेट्रोल डीजल बेशक महंगा हो गया लेकिन हमको वी हैव टू फैसिलिटेट द पेशेंट्स तो उस पर भी चर्चा हुई। तो इस तरह से काफ़ी चर्चा हुई है तो अब देखते हैं लेट्स सी ये कितनी इम्प्रूवमेंट इसमें हो पाएगी और लगातार ये हम सबका एक प्रयास रहेगा कि मतलब वहाँ जाके इस तरह की जो चीज़ कमियाँ हैं इसको टाइम टाइम पर जाके इसको देखा जाए।